क्या बना रहे हो तुम? अच्छा गाइस आज हमारी बन रही मंडवे की रोटी, कोदे की रोटी। यह देख सकते हैं आप, एक हमारी चूल्हे में रखी हुई है, कुछ हमारी बन चुकी है। ये हमारी टोकरी है, इसमें हमारी कुछ कोदे की रोटी बन चुकी है। अब हमारी कुछ रोटियां बन रही है। हाँ मेरा मुंह पे लगा दो तुम पूरा। बस हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और कैसा लग रहा है तुम्हें ससुराल में आके? बढ़िया लग रहा है, सही। तो आज हमारे वापस जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए हम आए थे यहाँ पे मंदिर में। तो मंदिर में हमने दर्शन कर लिए। हमारे यहाँ का मंदिर ये है गाइस, यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ये व्यू दिखता है ये बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन चल रहा है इनका। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर जाएंगे अब अगस्त मुनि। तो यहाँ का टूर हमारा अब ख़त्म होता है। अब आएंगे हम अगली बार, अब जब भी आएंगे तब देखेंगे। देखिए ये हमारे यहाँ का कार्तिक स्वामी का मंदिर, एक मंदिर ये है और एक मंदिर यहाँ सामने है इस पहाड़ी में। मेन मंदिर तो यही है, ये नॉर्थ इंडिया का एकमात्र मंदिर है यहाँ पे कार्तिक स्वामी का। इसके बाद आपको साउथ में मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर, ये यहाँ पे बड़ा सा पीपल का पेड़। अंशु को पूछ गाइस, हमारा फोटो सेशन भी हो चुका है और मंदिर में दर्शन भी हो चुके हैं। कैसा लगा तुम्हारा तुम्हें हमारे यहाँ का मंदिर? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा है ना, सबसे अच्छा है ना हमारे यहाँ का मंदिर। सबसे अच्छा तुम्हारे यहाँ का मंदिर, सबसे अच्छा हमारे यहाँ का है, फिर तुम्हारे यहाँ। नहीं नहीं, पहले हमारे यहाँ का था, तुम्हारे यहाँ का है। अंशु से पूछ, अंशु बताएगा कहाँ का है अच्छा। अंशु, अंशु तो मेरी साइड है ना वो। अंशु बोल, मुंह क्या छुपा रहा है वहां देखना। हमको तो दोनों जगह का सही लगा, छोड़ो हमको, तुम कौन पर हमारे यहाँ का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा है ना, हमारे यहाँ का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस अब हम चलते हैं घर, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा को आरंभ करते हैं। गाइस आओ मैं आपको बड़ा बॉडी के गोरू दिखाती हूँ। हमारे बॉडी लोगों का गोरू है ये, देखो ये गोरू है और ये बाछी है, ये देखिए बाछी है। चलो अब घर चलते हैं। देख जो ना गांव के प्योर गोरू होते हैं ना, हाँ। उनके यहाँ पे ऐसा हम्प होता है, प्योर गोरू होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये जो हाइब्रिड टाइप के होते हैं वो नहीं, उनके मन में होता है। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे हमारी कुल देवी के पास में, यहाँ पे भी हम माथा टेकेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। कहाँ पे? कितनी बार है? एक बार मैं यहाँ से इतनी जोर से गिरी ना नीचे, हाँ। ये बहुत स्लिपरी है, ये देखो ना, हाँ। भाई साहब इतनी ऊंची ऐसी कमर लगी ना मेरी, हाँ। इसलिए डर से आए, इधर से आओ आओ। तब से तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ी है ना? जय माता दी। गाइस मैंने आपको ये व्लॉग में दिखाया होगा पिछले व्लॉग में, ये हमारे यहाँ पे की हमारी कुल देवी की कोठड़ी, इसको कोठड़ी कहता है इसको, यहाँ पे उनका निवास स्थान है, यहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं और हमने यहाँ पे माथा टेक दिया। अब हम लोग चलते हैं। और गाइस अंशुल को यहाँ पे भूख लग गई, हमारा ड्रामे खत्म नहीं हुआ। अंशुल भूख लगी चलो तो अब हम द्वार मुहर खोलते हैं अपने और खाना खाते हैं। आ जाओ द्वार मुहर खोलने वालों। हाँ तो गाइस अब हमारे जाने की बारी आ चुकी है, बैकपैक हो चुके हैं और हम भी निकल चुके हैं। गाइस अब यहाँ से हमें रोड में के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर है रोड और यहाँ पे है खड़ी चढ़ाई। अब है हमारी असली परीक्षा चढ़ाई पे चढ़ने की। इन लोगों की सांस फूल गई है, नहीं अपने आप फूल गई, हमको बोर दी मेरी थोड़ी फूली, तुम दोनों की फूली है सांस। अरे अभी आए कितना, थोड़ा सा आए यहाँ नीचे से, यहाँ ऊपर पे आए, तो अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना है, बस फिर हो गया ठीक है। हम लोग रोड में पहुँच चुके हैं काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद,
और हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क की गई थी। और आज का मौसम फिर से बदला बदला सा है, बादल भी लगे हैं, धूप भी लगी है, कोई भरोसा नहीं मौसम का, बारिश भी हो सकती है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टायर पे हवा कम हो गई इसलिए हवा भरी जा रही है। और आज का मौसम ये देखो, बादल लगे हुए हैं और बाकी का गांव ये रहा। तो हम यहाँ नीचे से आए हैं यहाँ ऊपर, और हमारा घर यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला है हमारा घर, ये वाला जो ये रेड टिन दिख रहा है उसके ठीक सामने वाला घर है हमारा, और वहाँ से यहाँ ऊपर आए हैं रोड में। यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमने जाना है इस रास्ते। हाँ पीछे, हाँ है थोड़ा सा, हो गया, आ जाओ। ये हमारी गाड़ी लग चुकी है, अब हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये लोग हमारे गांव की तारीफ कर रहे हैं, इनको हमारे गांव बहुत ज़्यादा पसंद आया कि, और यहाँ का व्यू भी इन लोगों को बहुत पसंद आया कि, तो ये तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे हमारे गांव के, तो ये सोच रहे हैं कि हम यही अपना घर बना दें एक एक दोनों। तो गाइस ये देखिए हमारा गांव रोड से कुछ ऐसा दिखता है, और ये हम अपने घर की ओर निकलते हुए अपने गांव को बाय बाय करके आगे जाते हुए। और आजकल कुछ खेत खाली है और कुछ में फसल हो रखी है, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा रोड़ों में पत्थर है इसलिए हमारी गाड़ी हिचकोले खा रही है, अरे बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रही है। पर हमारा ब्लॉग भी ऐसे वाइब्रेशन मोड में बन रहा है क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब सी है इसलिए, लेकिन आप बहुत अच्छी रोड है हमारे यहाँ की, बड़गांव से तो बहुत अच्छी है, और व्यू भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। तो गाइस यहाँ दादी घूमने आई थी, दादी और हम जा रहे हैं, तो ठीक जगह दादी, हाँ जाओ वा, अरे कुछ अरे बार दियो बोलते हैं, अरे बार के दियो ना, दियो देसी होता है तो तू है, तो मैं अब बोलूँ तो हमारी गाड़ी रुक चुकी है क्योंकि आगे जेसीबी का काम लगा हुआ है और ट्रक भी है, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ रहा है। अब देखते हैं कितना रुकना पड़ता है यहाँ पे, कितना टाइम लगता है, हिसाब से हम अपना प्लान डिसाइड करेंगे। हटाओ बल, पीछे देख बल, हो गया, चले चलो फिर। इस ट्रक तो हट चुका है लेकिन अभी जेसीबी अपना काम कर रहा है, रोड क्लियर कर रहा है, जैसे रोड क्लियर होगी हम भी आगे बढ़ेंगे। काम से गिरा हुआ है, फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इंतजार करने के अलावा। जेसीबी साइड हो चुका है और हमारे लिए भी रास्ता खुल चुका है, हमारी गाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है अब धीरे धीरे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे पापा के स्कूल में, और मेरे पापा के स्कूल है भटवाड़ी में, थोड़ा दूर पे है तो मुझे रास्ता भी नहीं पता वैसे, पर बोला है सीधे सीधे आना है, रास्ता इधर उधर कहीं भी जाना है, तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं स्कूल में कि नहीं। इस ये है भटवाड़ी गांव, और इसी गांव के पास में है मेरे पापा के स्कूल, यहाँ पे एक ग्रीन टीन दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, तो यहीं जाना है हम लोगों को। ए देखो ये क्या पौड़ी दो गाँव था पढ़ू है, आराम से सो रखा है वो भी। इस ये है भटवाड़ी वालों का नारायण का मंदिर यहाँ पे, और यहाँ पे इनका धारा है, और इस धारे से हमें जाना है यहाँ। गाइस ये देखिए, ये है साड़ी, डबल स्टोरी साड़ी, ऊपर भी है एक फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर नीचे का, लेकिन यहाँ पे गाय भैंस को दिख नहीं रही, ताला लगा हुआ है, काफ़ी पुरानी लग रही है। और एक ये भी है, ये देखो कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं, और ये ऊपर पठार वाली छत, ये सब खंदवार हो चुका है, कोई नहीं रहता इसलिए सब टूट चुका है। ये देखो ये लोग आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ। और यहाँ नीचे है गदरा, पता नहीं कौन सा गदरा है ये, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा गदरा है भटवाड़ी में जो ये आ रहा है। और यहाँ पे ये पुल भी बना हुआ है, और यहाँ से हम इस साइड जाएंगे
स्कूल में जाने के लिए। कोई भटवाड़ी वाला मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो कमेंट करके बताना हमें कि ये तुम्हारे यहाँ पे कौन सा वाला गधा था, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से पूरा भटवाड़ी दिख रहा है, ये देखो तुम्हारे यहाँ के गांव का व्यू भी दिखा दिया मैंने भटवाड़ी वालों, ठीक है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के स्कूल में, वहाँ पे आजकल प्रोग्राम की तैयारी चल रही है तो हम अभी पापा से मिलने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं हम पापा के स्कूल, ठीक है। फिर आप लोग भी देखना वहाँ पे कैसे तैयारियाँ चल रही है, कैसा स्कूल है यहाँ पे, तो चलो। गाइस देखिए हम पापा के स्कूल में पहुँच चुके हैं, ये हमें गेट दिख रहा है यहाँ पे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटवाड़ी। देखते हैं मास्टर क्या कर रहे हैं स्कूल में। आज हम लोग इंस्पेक्शन पे आए हैं स्कूल के तीन लोग, ये देखो अब यहाँ से जाएंगे ऊपर, और ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, देखो सब पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और मास्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या काम दे रहे हो तुम्हें? काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं वो। अच्छा तो ये रही गाइस स्कूल, ये और ये यहाँ पे भोजनालय है, किचन, और यहाँ वॉशरूम, ये प्लेग्राउंड, ये देखा ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। पापा को मिलने कौन, हम लोग गाँव आए थे कल और पापा को मिलने आए थे हम गांव में, पापा पापा स्कूल आ गए थे, फिर हमने सोचा हम भी चलते हैं यहाँ से मिलके, और अब हम जाएंगे नीचे अगस्तमुनि। हैं तुम भी चल रहे? नो हमारी ड्यूटी नहीं है, नौकरी करनी है भाई। स्कूल में है अभी, ड्यूटी कर रहे हैं। दीदी ने कटाई बनाई थी। कटाई? दीदी कहाँ रहती है मुझे नहीं पता, ऐसी हैप्पी कप है। मजा आ रहा है तो? अच्छा कर रहे? बाय। तो अब अलविदा लेते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है, तो बाय बाय। ओके बाय। इस स्कूल से होके हम आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे बच्चों को, अभी पढ़ाई चल रही है उनकी, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो रही थी उनकी कार्यक्रम की, वो हम देख के आ गए हैं। बड़ा अच्छा डांस किया बच्चों ने, तो अब वो मेरा व्लॉग देखेंगे, तो बच्चों बहुत अच्छा डांस किया तुमने, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना फिर तुमको क्या लाना है अगली बार जब हम आएंगे तो, ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में, और हमारी हालत ख़राब हो गई इस चढ़ाई पर, खड़ी चढ़ाई थी एकदम, उफ सांस फूल गई, हाय राम, उफ ऊपर से धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है, और हमारी सांस आप देख ही रहे हो कैसे फूल गई है। भटवाड़ी गांव था नीचे, और यहां से ऊपर पैदल रास्ता भी है हमारे गांव जाने का, और यहां ऊपर है हमारा गांव, और यहां पे है हमारी गाड़ी।